नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भीलवाड़ा जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान झार की भीलवाड़ा जिला शाखा का सम्मेलन मांडर में प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं वरिष्ठ पत्रकार रुचपाल पारिक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष सुखपाल जाट, झार के प्रदेश सचिव मूलचंद पैसवानी, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र नियति, मंडल पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल और सामाजिक कार्यकर्ता और लेख भवर मेघवंशी मौजूद रहे। जिला सम्मेलन में जिले भर से एकत्रित हुए पत्रकारों का जार के प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल सहित अन्य अतिथियों ने मूल्य आधारित पत्रकारिता करने का आह्वान किया। जार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता चल रही है। अगले माह होने वाले प्रदेश अधिवेशन में अधिकांश समस्याओं के समाधान की घोषणा हो सकती है। उन्होंने जिले के पत्रकारों से जार के नाम पर कतिपय लोगों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने का आह्वान किया। सम्मेलन को जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुखपाल जाट, प्रदीप रावल, सोमदत्त त्रिपाठी, नवीन जोशी, मधु जाजू ने संबोधित किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि हरिवल्लभ मेघवाल ने भीलवाड़ा जिला शाखा की कार्यकारिणी की घोषणा भी की। सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रेस क्लब भीलवाड़ा के अध्यक्ष सुखपाल जाट ने जिले के पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए जार जिला शाखा के तत्वाधान में शीघ्र ही कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि टोल की समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा। लगातार तीसरी बार बने जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश सचिव मूलचंद पेशवानी ने जार संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। जिला महासचिव नरेश पारिक ने सभी का आभार ज्ञापित किया। प्रदेश स्तर पर पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आगे आना रहा और शीघ्र ही हम प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन शुरू करें। सरकार से हम हर स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर सारा मैनिफेस्टो बनाया है और उसमें पत्रकारों की सभी समस्याओं को हमने आगे लिया, चाहे मेडिकल की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, आवासीय हो और पत्रकार कल्याण कोष की हो, सभी समस्याओं को लेकर जार आगे आ रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून को अहम रूप दिया गया है। सीएम साहब से अभी मिली नहीं है, सीएम हमारे मुख्य सचिव मोदी से हमारी लगातार चर्चा चल रही है। सीएम साहब से शीघ्र ही हम अधिवेशन बुला रहे हैं और उसमें सीएम साहब को, गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके सामने हमारे पत्रकारों की समस्याओं का पटल